हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। मुबारक हो आपको, हम आज़ादी के 63 साल का सफ़र पूरा कर चुके हैं और एक और सफ़र जिसको यादगार बनाने की हम पूरी कोशिश करते हैं वो है चल मेरी गाड़ी का रोमांचक सफ़र। इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज के एपिसोड में क्या कुछ खास है आपके लिए। आज होगी टोयोटा कोरोला ऑल्टिस डीजल की टेस्ट राइड, बताएंगे इसकी खासियत, देखेंगे मारुति की कौन कौन सी गाड़ियाँ मिलेंगी आपको सीएनजी में, बताएंगे उभरते इंजीनियर्स का कमाल, साथ ही जानेंगे होंडा सीबी यूनिकॉर्न डेजलर और यामाहा एफजीएस में कौन है दमदार। बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म थ्री इडियट्स में आमिर खान से एक सवाल किया जाता है, व्हाट इज मशीन, और वो सीधा सा जवाब देते हैं कि ऐसी कोई भी चीज जो आपका काम आसान करे वो मशीन है। सही मायनों में आप मशीन से घिरे हैं, यानी पैंट की जिप तक, अगर हर एक चीज मशीन है तो फिर खूबसूरत मशीन क्या है? ये मेरा अगर आपसे सवाल हो तो आप कहेंगे ये कौन सा सवाल हुआ। एक ऐसी मशीन जो ना सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि पावर में भी दमदार हो और उसे आप अपने साथ रखना पसंद करें, वो है ब्यूटीफुल मशीन जो आज हमारे साथ है, कोरोला ऑल्टिस। इस गाड़ी में क्या कुछ खास है ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है, इसलिए मैं ब्यूटीफुल मशीन इसको कह रहा हूँ। जो कोरोला है 1966 में पहली बार लॉन्च की गई थी, 40 साल का सफर इस गाड़ी ने तय किया है और 40 साल के बाद वर्ल्ड वाइड इस गाड़ी को काफी ज्यादा पसंद किया गया है, तो कुछ तो वजह होगी। लेकिन कुछ बदलाव के साथ ऑल्टिस को पेश किया गया है, कुछ स्पेस को लेकर बदलाव है, इंटीरियर्स को लेकर बदलाव है, वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसके डिजाइन और स्टाइल की बात करते हैं, डिजाइन और स्टाइल में क्या कुछ खास दिया गया है वो जानने के लिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक को देखिए, जो आपको 60mm वाइड नजर आता है पुरानी कोरोला के मुकाबले, अगर मैं ये आंकड़ों से समझाऊं। लेकिन क्या अंतर है? सबसे बड़ा अंतर इस ग्रिल को लेकर है, जो कोरोला की पहली वाली जो ग्रिल थी उससे काफी कुछ बदली हुई नजर आती है। इसके अलावा इस क्लस्टर हेडलैम्प को आप देख सकते हैं पास आकर, काफी ज्यादा पॉइंटेड है, कॉर्नर बहुत ज्यादा शार्प किए गए हैं और इसकी शार्पनेस में, इसी एलिगेंट में वो इजाफा करते हैं। गाड़ी खूबसूरत मुझे नजर आती है टोयोटा के लोगों के साथ। ये साथ ही एक और डिफरेंट चीज़ है, वो वॉशर दिया गया है कि अगर आपको हेडलैम्प वॉश करना है तो इसको अंदर से बटन प्रेस करिए और उसके बाद यहाँ से सफाई भी कर सकते हैं। ये गाड़ी में फ्रंट लुक में कुछ ज़्यादा बदलाव मुझे नज़र नहीं आता है, लेकिन जो है वो रिमार्केबल है, आपको पसंद आएगा। ये रहा इस गाड़ी का आउटसाइड रियर व्यू मिरर, जिसमें आपको इंडिकेटर्स नज़र आएंगे। ये इंडिकेटर टर्निंग में बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं और ये जो बदलाव हैं वो अप मार्केट किए गए हैं, क्योंकि बहुत से सेडान में आपको ये बदलाव नज़र आएंगे। गाड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी आपको नज़र आएगी अगर आप साइड से इस गाड़ी को देखेंगे, और ये एक खूबी और है, गाड़ी को थोड़ी सी ज़्यादा लंबाई में पेश किया गया है। इसकी रूफ लाइन बहुत ज़्यादा शार्प मुझे नज़र आती है, बहुत खूबसूरती से बेंट हो रही है। पीछे जो शेप है गाड़ी का रियर, वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं किया गया है, लेकिन इस गाड़ी की टेल लैंप मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है बाकी सेडान के मुकाबले। गाड़ी के लुक में मैं ये कह सकता हूँ कि कैमरे से थोड़ी ज़्यादा इसकी सिमिलैरिटी आपको नज़र आएगी, यानी कैमरे से थोड़ा ज़्यादा इसका लुक मिलता जुलता है। ये रही गाड़ी के ओवरऑल लुक, डिज़ाइन, स्टाइल की बात, एग्रेसिव है, खूबसूरत है, एलिगेंट है, बहुत ज़्यादा वैसी गाड़ी है जो आप अपने साथ रखना पसंद करेंगे। हम गाड़ी के इंजन क्वालिटी पर अब बात करेंगे कि क्या कुछ खास है टोयोटा कोरोला ऑल्टिस की इंजन क्वालिटी में। और अब हम जानेंगे कोरोला ऑल्टिस डीजल वेरिएंट की इंजन क्वालिटी के बारे में, वो पावर कैसी है जो 40 साल तक इसकी साख को बनाए रखा गया है। फिलहाल इसमें इंजन जो इस्तेमाल किया गया है वो D4D टेक्नोलॉजी है। D4D टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बताऊं तो ये बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो इनोवा में, फॉर्च्यूनर में, लैंड क्रूजर में और पराटो में इस्तेमाल की जाती है। यानी आप समझ सकते हैं सारी गाड़ियों ने अपनी जगह एक लैंडमार्क बनाया है, जिसकी वजह बनी है ये इंजन क्वालिटी। D4D टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसमें 1366 सीसी का इंजन है, 85 BHP की मैक्सिमम पावर, 205 Nm की मैक्सिमम टॉर्क। गाड़ी का इंजन बाकी बहुत काबिल तारीफ है और इस टेक्नोलॉजी का क्या कुछ कहना, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को हम परखेंगे अगर सड़क में वो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये निकल कर आएगा कि परफॉर्मेंस इसकी कैसी है और कोरोला की जो साख है उसको आगे ले जाने में कितनी कामयाब होती है। उसके अलावा हम जानेंगे इसकी इंटीरियर क्वालिटी के बारे में, साथ में क्या कुछ बदलाव किए गए और इस गाड़ी की स्पेस कैसी है उसको जानने के लिए चलने से पहले, इस गाड़ी की राइड लेने से पहले ज़रूरी है मैं इस गाड़ी की स्पेस को लेकर कुछ बारीक और कुछ काम की चीज़ें मैं आपको बता दूँ। आप थोड़ा सा मेरे पास आइए और स्पेस को लेकर हम बात करते हैं। फिलहाल ड्राइविंग सीट में आप कंफर्ट को लेकर बहुत ज़्यादा आराम महसूस करेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। इस तरह का जो स्पेस है उसका पूरा ख्याल रखा गया है, ना सिर्फ ड्राइविंग सीट की बात की जाए, जो साथ में आपके सफ़र करेगा उसको भी दिक्कत नहीं होगी।
इसके अलावा एक अलग चीज मुझे इस गाड़ी में नजर आ रही है स्पेस को लेकर, वो पुरानी कोरोला के मुकाबले थोड़ा ज्यादा स्पेस है, लेकिन साथ ही जो इसके बीच में फ्लैट फ्लोर दिया गया है उसकी वजह से जो बीच सीट में सफर करेगा यहाँ पर बैठकर, उसको भी अपने पैर एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं बहुत आसानी से यहाँ पर पैर रख सकता हूँ, उसकी वजह है जो इसका ये फ्लैट फ्लोर दिया गया आप देख सकते हैं पास आकर, वो एक बड़ी वजह है कि आपको यहाँ पर तीन लोग सफर करते हुए उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही उनकी सीट बेल्ट यानी उनकी सेफ्टी का भी ख्याल रखा गया है। लेदर क्वालिटी बहुत अच्छी है जिससे कि आपको ये एहसास हो कि खूबसूरत सेडान जो कि बहुत एलिगेंट है, बहुत अपमार्केट है, उसमें आप सफर कर रहे हैं। जो और चीज़ें हैं इस गाड़ी को समझाने को लेकर, वो इसकी इंटीरियर क्वालिटी को लेकर है या फिर वो फीचर्स जो और गाड़ियों के मुकाबले इसमें बेहतर है उसको जानने के लिए, साथ ही राइडिंग क्वालिटी को परखने के लिए एक छोटा सफर जरूरी है। चलिए अब हम निकल चुके हैं एक छोटे से सफर पर कोरोला ओल्टिस के, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो अभी तक आंकड़े और खूबसूरती मैंने आपको समझाई है वो राइडिंग क्वालिटी में या अंदर बैठने पर कैसे निकल कर आती है। गाड़ी में स्पेस का अच्छा इस्तेमाल किया गया है वो मैंने आपको समझाया, लेकिन दूसरी चीज़ जो मुझे नज़र आती है वो इसकी राइडिंग क्वालिटी को लेकर है। गाड़ी के फर्स्ट गियर से ही आपको एहसास हो जाएगा कि सेडान वाकई दमदार है, और ऐसे ही इसने 40 साल का ये खूबसूरत सफर तय नहीं किया है। दूसरी चीज़ है इस गाड़ी के स्टेयरिंग व्हील को लेकर, हर एक छोटी चीज़ पर आप अगर देखेंगे तो वो डिटेलिंग के साथ काम किया गया है। स्टेयरिंग व्हील बहुत ज़्यादा खूबसूरत मुझे नज़र आती है। मौसम बदल चुका है, बारिश होनी शुरू हो गई है, लेकिन हमारा सफ़र ये जारी रहेगा। इसमें फिनिशिंग बहुत ज़बरदस्त दी गई है, जैसे हाफ फिनिशिंग आपको लेदर नज़र आएगी और हाफ वुडन फिनिशिंग, काफ़ी कुछ कैमरी से मिलता जुलता है इसका स्टेयरिंग व्हील। सामने जो मीटर क्लस्टर है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, चाहे वो ओडोमीटर हो, स्पीड को लेकर हो, आरपीएम मीटर को लेकर हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी। चलिए अब स्पीड बढ़ाते हैं और जानते हैं कि गाड़ी की जो पावर है वो तेज़ रफ्तार में कैसी निकल कर आती है। और चलिए अब हम निकल चुके हैं कोरोला ओल्टिस को तेज रफ्तार में लेकर, ये जानने के लिए कि तेज रफ्तार में गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसमें D4D टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, ये पाइनर क्वालिटी है टोयोटा की। इसके अलावा आपको इनोवा में, पराडे में, लैंड क्रूजर और फॉर्च्यूनर में, इन चारों में इस तरह के इंजन का इस्तेमाल, इस तरह की इंजन क्वालिटी आपको नजर आएगी, और वो चारों गाड़ियाँ रिमार्केबल हैं, काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई हैं, इसलिए इस इंजन क्वालिटी को लेकर कोई डाउट नहीं है और वो तेज़ रफ्तार में भी समझ में आ रहा है। ड्राइवर को लेकर कंफर्टेबल होने के लिए मैं डाउटफुल बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन और पैसेंजर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे, और उसके लिए रीज़न सिर्फ स्पेस नहीं है। जो चीज़ों का इस्तेमाल, जो लेदर क्वालिटी हो या वुडन फिनिशिंग हो, जिस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ज़्यादा अपमार्केट है। सुरक्षा के लिए आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेंगे, और वो इस गाड़ी में भी नहीं किया गया है। इसमें ABS ब्रेक असिस्ट है, और सबसे बड़ी बात जो मुझे नज़र आती है वो इलेक्ट्रॉनिक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिससे कि अगर इमरजेंसी होती है तो चारों पहिए जाम हो जाएं, और वो एक अच्छा फीचर मुझे नज़र आता है। इसके अलावा सीट बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें, हर एपिसोड में आपसे अपील करते हैं, और वो इंडिकेटर इसमें दिया गया है। अगर आप इस गाड़ी का सफ़र करते हैं और सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इंडिकेटर आपको याद दिलाएगा कि सीट बेल्ट लगाना आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। कोरोला ओल्टिस डीजल के सफ़र वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। छोटा सा सफ़र हमने तय किया है और उसमें हर चीज़ को परखने की कोशिश की है, चाहे वो एक्सटीरियर की बात हो यानी डिज़ाइन स्टाइल की बात हो, या फिर इंटीरियर्स और कंफर्टेबल होने की बात हो, या फिर इस गाड़ी की राइडिंग क्वालिटी यानी पिकअप और सड़क पर पकड़ कैसी है। उस मामले में गाड़ी काफ़ी ज़्यादा खरी साबित हुई है। कोरोला का जो 40 साल पुराना इतिहास है उसको कोरोला ओल्टिस आगे ले जाती नजर आती है। उम्मीद कर सकते हैं कि गाड़ी आपको जरूर पसंद आएगी। अगर रेटिंग देने की बात हो तो इस गाड़ी को 5 स्टार में मैं 4 स्टार रेटिंग दूंगा, यानी गाड़ी काफी ज्यादा अप टू द मार्क नजर आती है। कोरोला ओल्टिस के साथ ये सफर तो यादगार था, लेकिन चल मेरी गाड़ी का सफर अभी थमा नहीं है, सफर एक ब्रेक के बाद भी जारी है।